हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट में मंत्रियों ने पदभार संभालते के साथ गंभीरता दिखाने शुरू कर दी है। बात कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की। रिम्स की 58वीं शासी परिषद की बैठक संपन्न हो गई है और बैठक के बाद बन्ना गुप्ता प्रेस से मुखातिब है। आपको सीधे लिए चलते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री को, उनके लंबे अनुभव को साझा करने के लिए, नई पीढ़ी के चिकित्सकों को उस लाभ से लाभान्वित करने के लिए उन लोगों को रिसर्च के पेपर जो है वो जब वो करेंगे तो उनको हम 3,40,00,000 रुपया हमने उसमें सुनिश्चित किया है, लेकिन उसको हम पीएल खाते से नए खाते को खोलकर उनको वो लाभ से लाभान्वित करेंगे। रिम्स में कार्यरत कर्मचारियों के पीएफ काटने मामले में अधिकारियों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई करें। कुछ पीएफ में विसंगतियां हुई थी जिसके कारण 40 करोड़ रुपया हमारे रिम्स के ऊपर जो है जुर्माना कर दिया गया है, तो उसमें जो भी पदाधिकारी ऐसे हैं जिनके लापरवाही के कारण, कोताही के कारण ये स्थिति बनी है, उन पर कार्रवाई करने का भी आदेश निर्गत किया है। और इस मामले का पटाक्षेप कैसे हो तो इसके लिए लॉ विभाग का ओपिनियन लिया जाएगा और साथ ही साथ रिम्स में एक लॉ ऑफिसर की कमी है, उस पद को भी भरा जाएगा। माइक्रोबायोलॉजी स्टाफ की नियुक्ति पर निर्णय लिया गया है। क्षेत्रीय जरा केंद्र के संविदा पर कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पद सृजन की स्वीकृति को आयुष्मान भारत के मद से जो हमको उससे इंसेंटिव मिलता है, उस इंसेंटिव से इन लोगों को हम लाभान्वित करेंगे। रिम्स से सेवानिवृत्त हो चुके चिकित्सकों को अनुबंध पर नियुक्त किया जाएगा प्रत्येक वर्ष 3 वर्ष के लिए। 67 तो उनकी आयु सीमा है, 70 साल तक के लिए, लेकिन प्रत्येक साल के लिए उनको लिया जाएगा और उसके बाद उनकी जो है काम करने की दक्षता और क्षमता को देखते हुए उनको एक्सटेंशन पर 70 तक रखा जाएगा। हॉस्पिटल मैनेजर के 4 पद की स्वीकृति दी गई है और एक प्रोटोकॉल अफसर की स्वीकृति दी गई है कि इनको भी जो है इनकी नियुक्ति के लिए प्रक्रिया चालू की जाए। रिम्स में आयुष्मान कार्ड से जिनका इलाज ना हो उसको इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। मतलब एक हम लोगों ने वैसे लोगों के लिए एक पिछली जीबी में एक निर्णय किया था कि वैसे गरीब लोग जिनके पास ना आयुष्मान कार्ड है, ना राशन कार्ड है, ना राशन आपको जो है ना उनके पास वोटर कार्ड है, और वैसे यदि गंभीर मरीज हैं तो वैसे गंभीर मरीज की जान की रक्षा करने के लिए उनको तत्काल उनको सुविधा के तौर पर विभाग अध्यक्ष के अनुशंसा पर 50,000, डायरेक्टर के अनुशंसा पर 1,00,000 रुपये और अध्यक्ष के अनुशंसा पर 5,00,000 रुपये तक का उनको मुफ्त इलाज कराया जाएगा ताकि किसी की भी जान जो है वो बचाई जा सके। हाँ, लेकिन उसी को हम लोगों ने उस चीज को फिर से हम लोगों ने मजबूती से, चूंकि नहीं लागू हुआ था, नहीं लाभ मिला था। कुछ ऐसे लोग थे जिनको मेरे पास तक भी आए थे, डायरेक्टर साहब के पास भी गए थे, अभी भी हमको लगता है डायरेक्टर साहब से मैंने 15-20 दिन पहले 3-4 लोगों को
कह के लाभ दिलवाया था। इसलिए क्योंकि इसको दोबारा इसलिए लाए हैं क्योंकि ये एक बहुत मानवीय दृष्टिकोण है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।